अंधाधुंध फायरिंग के बीच आहान ने जैसे ही शार्वी की चीख सुनी तो वो तुरंत गाड़ी के बाहर आया। तभी उसके बॉडीगार्ड्स भी उसको कवर करते हुए आगे आकर रिवर्स फायरिंग करने लगे। लेकिन तभी अचानक ही सामने से फायरिंग करने वाले लोगों ने गोलियां बरसानी बंद कर दी और अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर वहां से निकल गए। तभी शोभित जल्दी से आहान के पास आकर बोला, सर आर यू ओके? सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, किसी को भी चोट नहीं आई है, एवरीथिंग इज परफेक्ट सर। बस बाकी लोग घबराए हुए हैं। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, उन्होंने हम पर हमला किया और फिर भाग भी गए, जबकि वो चाहते तो इस वक्त आसानी से आपको टारगेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बस हमारी गाड़ी के टायर्स ही पंचर किए हैं। शोभित की ये बात सुनकर आहान भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। लेकिन तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन देखा तो फोन की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर शो हो रहा था। आहान ने जैसे ही फोन पिक करने के लिए कान पर लगाया, उधर से एक शख्स की आवाज आई, वेलकम टू द पेरिस मिस्टर आहान रॉय, स्वागत, कैसा लगा? धमाकेदार था ना, उम्मीद है पसंद तो आया ही होगा। वैसे तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने तुम पर गोलियां भी चलवाई तो फिर मारा क्यों नहीं? तो मैं तुम्हें बता दूं आहान रॉय कि तुम्हें मरते हुए देखने से ज्यादा मुझे तुम्हें हारते हुए देखकर सुकून मिलेगा, और इसलिए मैंने सोचा जब तुम इतनी दूर पेरिस आए हो तो क्यों ना तुम्हें यहाँ के बीचेस की थोड़ी सैर करा दी जाए, हारने से पहले मन थोड़ा बहला दिया जाए, क्यों, सही कहा ना मैंने? ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुनकर आहान कुछ कह पाता कि तभी दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। कॉल के कट होते ही आहान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तवेश रायचंद, यू विल पे फॉर इट। फिर वो शोभित से बोला, जल्दी दूसरी गाड़ियां अरेंज करो। उसकी बात सुनकर शोभित तुरंत बोला, बॉस बैकअप टीम से बात हो चुकी है, लेकिन ये जगह शहर से काफी दूर है, यहां तक पहुंचने में उन्हें लगभग एक घंटा लग जाएगा। ये सुनकर आहान ने अपने चारों तरफ नजर घुमाई तो वो इस वक्त एक सुनसान जगह पर थे जहां से थोड़ी दूरी पर बीच था। तब तक बाकी सब लोग भी गाड़ी से बाहर आ चुके थे और काफी घबराए हुए दिख रहे थे। तभी लीजा आहान के पास आकर उसका हाथ पकड़कर घबराते हुए बोली, ओह गॉड, ये लोग कौन थे आहान? और हम पर फायरिंग क्यों कर रहे थे? अब हम कैसे जाएंगे? हमारी तो गाड़ी के टायर्स भी पंचर हो चुके हैं और ये रास्ता भी कितना सुनसान है, अगर वो लोग फिर आ गए तो, ओह माय गॉड। लीजा की बात सुनकर आहान ने एक नजर शार्वी की तरफ देखा जो वानी का हाथ कस कर पकड़े गाड़ी के पास ही खड़ी थी और घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। ये देखकर आहान सबसे बोला, आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है, वे कुछ रॉबर्स थे जो अब जा चुके हैं और अब वापस नहीं आएंगे, कुछ ही देर में दूसरी गाड़ियां भी आ जाएंगी, तब तक आप लोग चाहें तो बीच पर एंजॉय कर सकते हैं। ये कहकर आहान बीच की तरफ जाने लगा। आहान को बीच की तरफ जाते देख बाकी सब लोग भी नॉर्मल होकर बीच को देखकर खुश हो गए। शाम होने को आई थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और डूबते हुए सूरज की रोशनी में उस बीच का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये नजारा देखकर वानी भी ये कहते हुए शार्वी का हाथ पकड़कर जल्दी से बीच की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद ही वो लोग सब कुछ भूलकर बीच पर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे थे और सुनसान बीच इस वक्त उन लोगों की हंसी और ठहाकों से गूंज उठा था। लहरों से खेलती हुई वानी शार्वी पर पानी फेंकते हुए बोलती है, पता है शार्वी, मैं कितना डर गई थी उन लुटेरों के आने से। मैंने तो अभी पेरिस में शॉपिंग भी नहीं की और लुटेरे पहले ही आ गए। थैंक गॉड के आहान सर के बॉडीगार्ड साथ थे, वरना इस बीच पर इस वक्त हम नहीं, हमारा भूत भटकता नजर आ रहा होता। मैंने तो अभी पेरिस दर्शन भी नहीं किए। उसकी बात सुनकर शार्वी भी मुस्कुरा दी, लेकिन तभी वानी फिर से बोली, यार मुझे ना बड़ा बुरा फील हो रहा है, मैंने ना लीजा मैम के ऊपर कॉफी गिरा दी, वो देख वो अभी भी कैसे मास्क लगाए ही घूम रही है और कैसे उदास भी दिख रही है। वानी ने कुछ दूर खड़ी लीजा की तरफ इशारा किया जो इस वक्त चुपचाप खड़ी लहरों को ही देख रही थी। क्या यार वानी, तू भी ना कभी कभी हद करती है, क्या जरूरत थी तुझे ऐसे कॉफी हाथ में लेकर घूमने की? अब अगर तुझसे गलती हुई है तो जाकर माफी भी मांग ले, देखना वो तुझे माफ कर देंगी, कोई भी तुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता। शार्वी ने लीजा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी लगता है मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए, तू यही रुक मैं अभी आई, देखना कैसे दो मिनट में उनका मूड ठीक करती हूँ। ये कहकर वानी शार्वी को वहीं छोड़कर लीजा की तरफ चली गई और शार्वी वहीं पर खड़ी सनसेट देखने लगी। वानी को खुद के पास आता देख लीजा मुंह बनाते हुए बोली, हे यू, तुम मेरे पास क्या करने आई हो? तुम पहले भी मेरी ड्रेस और मेकअप खराब कर चुकी हो,
अब क्या मुझे पानी में धक्का देने का इरादा है? हाँ? तभी वानी उससे माफी मांगते हुए बोली, अब आई एम सॉरी लीजा मैम, मैंने जानबूझकर आप पर कॉफी नहीं गिराई थी। मुझे नहीं पता था ना आप अपने मेकअप को लेकर इतनी कॉन्शियस हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है ना। देखना, नेक्स्ट टाइम तो मैं आप पर बिल्कुल कॉफी नहीं गिराऊंगी। उसकी बात सुनकर लीजा उसे घूरते हुए बोली, मतलब तुम नेक्स्ट टाइम भी मुझ पर कुछ गिराने वाली हो, राइट? अगर आगे फिर से जरूरत पड़ी तो। वानी धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, आ? कुछ कहा तुमने? उसकी बड़बड़ाहट सुनकर लीजा उसे घूरते हुए बोली। ये सुनकर वानी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं लीजा मैम, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का जो भी मतलब हो, व्हाटएवर, मेरी ड्रेस और मेकअप तो तुम खराब कर ही चुकी हो, लीजा चिढ़ते हुए बोली। तभी वानी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर बोली, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी लीजा मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ये कहकर वानी उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी। अच्छा अच्छा ठीक है, कर दिया मैंने तुम्हें माफ, अब हाथ छोड़ो मेरा। लीजा इरिटेट होकर वानी से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। तभी वानी खुशी से लीजा के गले लगते हुए बोली, ओ लीजा मैम, आप कितनी अच्छी हैं, जो आपने मुझे माफ कर दिया। मुझे पता था आप मुझे माफ कर देंगी, इसके बदले मैं आपको एक अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करके दूंगी, और देखना आप उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। क्या सच में? खूबसूरत ड्रेस के बारे में सुनकर लीजा की आंखें खुशी से चमक उठी। यस लीजा मैम, और आप तो बिना मेकअप के भी इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, तो आपको इस मास्क की क्या जरूरत? वानी ने लीजा का मास्क उतारते हुए कहा, ओह वानी, तुम भी ना, बहुत नॉटी हो, बट आई लाइक यू। अपनी खूबसूरती की इतनी तारीफ सुनकर लीजा तो खुशी हो गई थी। आखिर किस लड़की को अपनी तारीफ पसंद नहीं होती। और फिर थोड़ी देर बाद लीजा और वानी वहीं लहरों के साथ खेलते हुए नजर आ रही थीं। लगता है वानी ने लीजा मैम से भी दोस्ती कर ही ली है। उन्हें ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए देख कुछ ही दूरी पर खड़ी शार्वी मुस्कुराकर खुद से ही बोली, और फिर वहीं पर अकेले अकेले घूमने लगी। लेकिन कोई था जिसकी नजरें लगातार शार्वी पर ही बनी हुई थी। अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा आहान शार्वी को एकटक निहार रहा था। शार्वी अभी घूम ही रही थी कि तभी उसका पैर मुड़ा और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। आउच, मेरा पैर। उसको यूं अचानक गिरता हुआ देख आहान तुरंत ही दौड़ते हुए उसके पास आया और उसे पकड़ते हुए बोला, मैं शार्वी, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? तभी शार्वी अपने पैर को पकड़ते हुए बोली, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है सर, लगता है पैर में मोच आ गई है। एक तो शार्वी आप इतनी हाई हील्स पहनती क्यों है, जब ठीक से चल नहीं सकती, हमेशा गिरते पड़ते ही रहती हैं आप। लास्ट टाइम भी मैंने आपको हील्स पहनने से मना किया था ना। आहान ने उसकी टूटी हील्स की तरफ देखकर उसे घूरते हुए कहा, एक तो मेरे पैर में मोच आ गई है, मुझे दर्द हो रहा है, और ऊपर से आप मुझे डांटने लगे हैं सर। शार्वी ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा, उसके चेहरे को देखकर लग रहा था मानो वो अभी रो देगी। ये देखकर आहान धीरे से उसके पैर को पकड़कर बड़े ही प्यार से बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या, लाओ इधर दिखाओ। लेकिन तभी शार्वी तुरंत ही अपना पैर उससे छुड़वाते हुए बोली, नहीं नहीं सर, प्लीज रहने दीजिए, आप फिर से मेरा पैर ट्विस्ट कर देंगे, जैसे बहुत दर्द होगा, जैसे लास्ट टाइम किया था। अगर अभी ठीक नहीं किया तो पैर में स्वेलिंग बढ़ जाएगी, जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दिखाइए मुझे, आहान ने शार्वी को प्यार से समझाते हुए कहा। नहीं, शार्वी अब भी मना ही कर रही थी कि तभी अचानक ही आहान ने उसको गोद में उठा लिया। सर आप क्या कर रहे हैं? शार्वी ने इतना कहा ही था कि तभी आहान उसको थोड़ी दूरी पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर बिठाते हुए बोला, एकदम चुप, चुपचाप से यहाँ बैठो और मुझे देखने दो। शार्वी को पता था कि आहान अब उसकी एक नहीं सुनने वाला, इसलिए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी आहान ने जैसे ही उसके पैर को ट्विस्ट किया, वो दर्द से चिल्लाते हुए आहान के सीने से जा लगी और उसकी शर्ट पर अपनी पकड़ कस दी। शार्वी के अचानक यूं गले लगने से आहान तो एकदम शॉक्ड ही हो गया। उसने शार्वी की तरफ देखा, जो इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए आहान के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए थे। ये देखकर आहान के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए ही उसके कान में धीरे से बोला, तुम तो सिमट कर मेरी बाहों में अपना दर्द भुला रही हो, तुम्हें कुछ खबर भी है, तुम यूं मेरी धड़कने बढ़ा रही हो। आहान की बात सुनकर शार्वी तुरंत ही उससे अलग हो गई, लेकिन उसके हाथ अभी भी आहान के सीने पर ही थे, जिस वजह से वो आहान की बढ़ी हुई धड़कनों को साफ महसूस कर पा रही थी।
उसका फेस इस वक्त आहान के फेस के बिल्कुल सामने था और उनके लबों के बीच बस कुछ ही फासला था जो धीरे धीरे और कम होता जा रहा था। अपने चेहरे पर पड़ती आहान रॉय की गर्म सांसों को महसूस करते हुए ही चार्वी की आंखें अपने आप बंद हो गईं। ये देखकर आहान भी उसके होठों की तरफ छुपने लगा। इससे पहले कि उसके होंठ चार्वी के होठों को छू पाते कि तभी उसके कानों में शोभित की आवाज पड़ी, बॉस गाड़ी आ चुकी है। शोभित की आवाज सुनते ही आहान तुरंत ही चार्वी से दूर हुआ और उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी अभी क्या करने वाला था। उसने चारों तरफ देखा तो इस वक्त हल्का अंधेरा हो चुका था और बाकी लोग उनसे थोड़ी दूरी पर थे। शायद इसी वजह से किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी। शोभित को वहां देखकर चार्वी भी थोड़ी कॉन्शियस हो गई थी। तभी आहान ने बोला, सब लोगों को बोलो कि गाड़ी में जाकर बैठें। आहान ने शोभित से कहा और फिर चार्वी की तरफ मुड़ गया। ओके बॉस, ये कहकर शोभित तुरंत ही वहां से चला गया। शोभित की आवाज सुनकर चार्वी ने भी तुरंत अपनी आंखें खोल दी थी और जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वो इस वक्त आहान के इतने करीब थी तो शर्म से उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। इसलिए वो आहान से नजरें चुराते हुए तुरंत ही वहां से लड़खड़ाते हुए जाने लगी। ये देखकर आहान बोला, आप ठीक तो है ना मिस चार्वी? वो हड़बड़ाते हुए बोली, जी जी सर, मेरा पैर अब ठीक है। और आहान की तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ गई। आहान भी जानता था इस वक्त वो काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसलिए वो भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते ही चार्वी मन ही मन में बोली, ओह गॉड, ये मुझे क्या हो गया था? मुझे लगा आहान सर मुझे किस नने आहान सर मुझे किस कैसे कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त उनकी धड़कने उतनी ही तेजी से चल रही थी जितनी तेजी से मेरी धड़कने चल रही हैं उनके करीब होने पर। उफ, ये क्या हो रहा है? मुझे ना आहान सर से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। तभी वाणी उसके पास आते हुए बोली, चार्वी ये क्या हुआ तुझे? तू ऐसे लड़खड़ाकर क्यों चल रही है? कुछ नहीं, वो मेरा पैर हल्का सा मुड़ गया था जिससे मेरे पैर में मोच आ गई। वाणी उसे छेड़ते हुए बोली, तेरे डॉक्टर ने तेरा इलाज अच्छे से कर तो दिया ना? चार्वी ने उसे घूर कर देखा तो वो तुरंत ही अपने दांत दिखाते हुए गाड़ी में बैठ गई और कुछ ही देर में उन सब की गाड़ियां वहां से होटल के लिए रवाना हो गई। दूसरी तरफ गोवा के एक होटल रूम में बेड पर शर्टलेस लेटा एहसान थक कर अभी गहरी सांसें ले ही रहा था कि तभी उसी के पास लेटी जेनी उसके सीने पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली, चलो ना बेबी, फिर से करते हैं। I'm not satisfied. तुमने मुझे बोला था तुम मुझे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड करोगे। What? Completely satisfied? तुम आधे घंटे से मेरे साथ खेल रही हो और फिर भी बोल रही हो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो। अब इससे ज्यादा मैं और कितना सेटिस्फाइड करूं? एसआर हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, What do you mean? मैं आधे घंटे से खेल रही हूँ? ऐसा थोड़ी ना होता है बेबी। वो लड़की मुंह बनाते हुए बोली, नो, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तभी वो लड़की कुछ सोच कर मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें चार्ज करूं तब भी नहीं? चार्ज? ऐसा भी क्या करने वाली हो तुम? एसआर बेड क्राउन से टिक कर बैठते हुए बोला, वेट। ये कहते हुए वो लड़की बेड से उठी और एक रोमांटिक म्यूजिक प्ले करके एसआर को बेड से उठाकर बोली, रिमूव योर क्लोथ बेबी। क्लोथ्स पहले से ही रिमूव हुए हैं, और कितने रिमूव करूं? एसआर हैरान होते हुए बोला, जितने भी हैं वो भी रिमूव कर दो। ये कहते हुए उस लड़की ने उसे एक चेयर पर बिठा दिया। ये कहते हुए वो लड़की उसे बाहों में भरकर उसके होठों को चूमते हुए उस रोमांटिक से सॉन्ग पर डांस करने लगी। थोड़ी देर में उसने एसआर को एक कुर्सी पर बिठाया और उसके हाथ पीछे की तरफ करके हैंडकफ से लॉक कर दिए। ये देखकर एसआर हकलाते हुए बोला, हे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें चार्ज। ये कहते हुए उस लड़की ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए एसआर की आंखों में एक पट्टी बांध दी। ये देखकर एसआर मनी मन खुश होते हुए बोला, ओ, तो ये कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है, लगता है एसआर आज तो आग लगने वाली है। और यही सब सोचते सोचते वो हसीन हसीन सपने देखने लगा। लेकिन तभी उसके रंग में भंग डालते हुए उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और वो अपने ख्यालों से तुरंत ही बाहर आया और बोला, ये कैसी आवाज है? तुम्हें चार्ज करने की, अब देखना तुम कैसे फुल्ली चार्ज होते हो। ये कहते हुए उस लड़की ने एसआर को शॉक देना स्टार्ट किया।
ए पागल लड़की, ये क्या कर रही हो? ऐसे कौन चार्ज करता है? एसआर चिल्लाते हुए बोला, ये मेरा स्टाइल है बेबी, पर लगता है तुम ठीक से चार्ज ही नहीं हो रहे। लगता है एक्साइटमेंट बढ़ाना पड़ेगा। लगता है एक्साइटमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने एक जग पानी एसआर के सिर पर उड़ेल दिया और फिर उसके गीले बदन पर एक बार फिर से शॉक देने लगी। अब शॉक का असर भी दुगना हो चुका था और एसआर भी चिल्लाते चिल्लाते बिजली के झटके खाकर बेहोश होने को था। वो जैनी पर चिल्लाता रहा लेकिन जैनी ने उसकी एक नहीं सुनी, लेकिन वो लगातार एसआर को झटके पर झटके देती रही। छोड़ दो मुझे, तुम पागल हो गया। ए, नहीं होना मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब एसआर गिड़गिड़ाने लगा था लेकिन जैनी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही झटके देने के बाद जब जैनी ने देखा कि अब एसआर ने रिएक्ट करना बंद कर दिया और उसका हेड डाउन हो गया, तो उसके गाल थपथपाते हुए बोली, हे बेबी, गेट अप, गेट अप बेबी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बेबी, बेबी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, एसआर आंखें खोलो, बेबी आंखें खोलो। एसआर को कुछ ना बोलते देख वो खुद से ही बोली, ओह नो, लगता है एसआर कुछ ज्यादा ही चार्ज हो गया। अब क्या करूं? बेटा जैनी भाग ले यहां से। और वो जल्दी से अपने कपड़े पहन तुरंत ही उस रूम से फरार हो गई। दूसरी तरफ पेरिस में, जहां शार्वी की टीम के कुछ लोग सफर की थकान की वजह से घोड़े बेचकर सोए हुए थे, वहीं कुछ की नींद कल का फैशन शो कैसा होगा यही सोचकर उड़ी हुई थी। शार्वी की आंखों में इस वक्त नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसने एक नजर सोती हुई वानी की ओर डाली जो आराम से पूरे बेड पर फैल कर सोई हुई थी और उसका आधा ब्लैंकेट बेड से नीचे लटका हुआ था। ये देखकर शार्वी ने उसका ब्लैंकेट ठीक किया और फिर धीरे से वो अपने रूम से बाहर आ गई। वो अकेले ही होटल के कॉरिडोर में खड़ी चुपचाप विंडो से बाहर खुले आसमान को देख रही थी। तभी अचानक ही पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने इस वक्त लीजा खड़ी थी। शार्वी ने लीजा की ओर देखते हुए कहा, लीजा मैम, आप अभी तक सोई नहीं? लीजा ने शार्वी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं बस सोने ही जा रही थी, लेकिन तुम्हें यहाँ अकेले खड़े देखा तो चली आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने रूम में होना चाहिए था। कुछ नहीं मैम, बस नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए यहाँ चली आई। नर्वस हो? लीजा ने शार्वी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपको कैसे पता मैम? शार्वी ने हैरानी से पूछा तो लीजा हंसते हुए बोली, लोगों का मेकअप करते करते मैं उनके चेहरे पर ना भी बहुत अच्छे से सीख गई हूँ और इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर नर्वसनेस साफ नजर आ रही है। ये सुनकर शार्वी विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी, बोली, बस यही सोचकर नींद नहीं आ रही, पता नहीं कल क्या होगा। आहान सर ने जिस भरोसे के साथ ये प्रोजेक्ट मुझे सौंपा है, मैं उस पर खरी उतर भी पाऊंगी या नहीं, एक अनजाना सा डर लग रहा है, बस कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वैसे भी ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, ऊपर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये कहते हुए शार्वी ने एक गहरी सांस ली। लीजा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोली, हे रिलैक्स बेबी डॉल, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ना आहान को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो जो भी करता है बहुत ही सोच समझ के करता है। अगर उसने ये प्रोजेक्ट तुम्हें इतने विश्वास के साथ सौंपा है तो जरूर तुम में कोई खास बात होगी, तुम बस अपना बेस्ट देना, समझी? फिर वो विंडो से बाहर खुले आसमान को देखते हुए बोली, ऐसा ही भरोसा उसने 5 साल पहले मुझ पर भी दिखाया था और तब से ही हम साथ हैं। सोचती हूँ अगर उस वक्त आहान ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं मेरी जिंदगी अब कैसी होती, शायद। ये कहते कहते वो अचानक ही जैसे कुछ याद कर रुक गई हो। शार्वी ने उसकी ये बात सुनकर सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा, मानो वो जानना चाहती हो कि ऐसा क्या हुआ था 5 साल पहले उसकी लाइफ में। खुद पर पड़ती शार्वी की सवालिया नजरों को देखकर वो मुस्कुराते हुए बात बदलते हुए बोली, काफी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी,
फिलहाल तो अभी जाकर तुम्हें सो जाना चाहिए, वरना कल सुबह तुम दो बड़े से डार्क सर्कल्स के साथ नजर आओगी, जिन्हें मैं अपने मेकओवर से भी नहीं छिपा पाऊंगी। लोग रॉय ग्रुप्स के डिजाइनर को ऐसे डार्क सर्कल्स के साथ देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कि उनकी मेकअप आर्टिस्ट शायद अच्छे से काम नहीं करती। शार्वी ने मजाक करते हुए कहा तो लीजा उसकी तरफ अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए बोली, ए तुम चांद की चांदनी पर सवाल उठा सकती हो लेकिन लीजा की काबिलियत पर नहीं। फिर वो दोनों ही एक दूसरे को देख कर जोर से हंस पड़ी। तभी लीजा इतराते हुए बोली, ओके अब मैं भी जाकर सोती हूँ, मुझे कल सुबह अपने खूबसूरत चेहरे पर कोई डार्क सर्कल्स नहीं चाहिए। ये कहकर वो जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से शार्वी ने उसे आवाज देते हुए कहा, लीजा मैम थैंक यू। लीजा पीछे मुड़ी और हल्के से मुस्कुरा कर बोली, जाओ जाकर सो जाओ। शार्वी ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वो दोनों ही अपने अपने रूम की तरफ चली गईं। कल की सुबह सबकी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट थी। शार्वी और आहान की जिंदगी में ये सुबह क्या नया मोड़ लेकर आती है? क्या शार्वी आहान की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी या आहान को करना पड़ेगा इस बार हार का सामना? क्या होगा पेरिस फैशन वीक का नतीजा और क्या आ पाएगा एहसार होश में और लगेगा उसकी अकल को ठिकाना? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए शार्वी और आहान की प्यार भरी दास्तां तू जान है मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है रिवांश के साथ।